एस के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सर्कल पर चर्चा करेंगे, जी हाँ वृत्त के ऊपर में। तो किन किन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे आइए देखते हैं। सर्कल, उसके बाद वृत्त का व्यास और अर्धव्यास के ऊपर में, परिधि के ऊपर में, जीवा, सेकेंड और टेंजेंट के बारे में, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, सेमी सर्कल, आर्क चाप के ऊपर में, वृत्तखंड के ऊपर में और त्रिज्य खंड के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। इन सारे चीजों को अगर हम लोग समझ लेते हैं किसी भी वृत्त के पक्ष में, वृत्त के लिए, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा वृत्त को समझ पाना। शुरू करते हैं। यह सर्कल है और यह इसका केंद्र है। तो कहने का मतलब क्या है, केंद्र से एक निश्चित दूरी पर ढेर सारे बिंदुओं का कलेक्शन एक ही पथ पर, कहने का मतलब एक बिंदु पथ पर समान दूरी पर कुछ काफी सारे बिंदुए हों, उनका कलेक्शन हो एक ही डिस्टेंस पर। किस दूरी से? केंद्र की दूरी से, इस दूरी से, एक निश्चित दूरी, तो यह एक वृत्त कहलाएगा। यूक्लिड की परिभाषा के अनुसार अगर बोला जाए तो वृत्त एक बंद रेखा से घिरी हुई एक समतलीय आकृति है और यह इस तरह होता है कि किसी निश्चित बिंदु इस बंद रेखा तक सभी रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, इस तरह से। और इस वृत्त रेखा में वृत्त की परिधि, बंद रेखा जो है वो वृत्त की परिधि और निश्चित बिंदु जो दूरी है वह इसका केंद्र कहलाएगा। निश्चित बिंदु इसका केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो यह जो दूरी हो गया, यह व्यासार्ध हो गया, यह परिधि हो गया और यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये जीवा हो गया। तो जीवा कहने का मतलब है कि कोई भी रेखाखंड वृत्त परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं को मिला दीजिए तो ये जीवा कहलाएगा। यहां पर इन दोनों को मिला दीजिए, जीवा हो गया। यहां से गया, सेंटर से गया, ये भी जीवा हो गया। तो सबसे लंबी जीवा कौन सी हो गई? व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। तो ये व्यास, अगर हम लोग बात जैसे कर रहे थे परिधि की, तो परिधि क्या हो गया? परिधि को अगर मैं सी बोलूं और व्यास को डी बोलूं, इसको अगर मैं डी बोलूं, व्यास को डायमीटर के लिए डी बोलूं, परिधि सरकमफेरेंस के लिए सी बोलूं और अर्धव्यास या व्यासार्ध के लिए अगर मैं आर बोलूं, तो सरकमफेरेंस और रेडियस, सरकमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात जो होगा वो पाई कहलाता है। पाई, जिसका मान 22/7 या 1.3 × 1/7 या 3.14 इस तरह से चलता हुआ वैल्यू तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यह पाई क्या है? परिधि तथा व्यास का अनुपात। हम लोग बात कर रहे हैं फिर से परिधि की। अगर परिधि बोले तो परिधि मतलब सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस है क्या? वृत्त की जो परिसीमा है, सर्कल ऑफ, सर्कल की जो पेरिमीटर है वही वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है, परिधि, सर्कमफेरेंस। और ये इसका वैल्यू सी इक्वल टू 2πr या फिर d, कैपिटल d मैंने माना है तो कैपिटल d पाई ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि लिख सकता हूं, ठीक है। परिधि के साथ कैसा संबंध हो गया वो भी देखकर समझ लीजिए कि किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो इसी से मिल गया, c इक्वल टू c बाई डी इक्वल टू पाई, इसलिए c इक्वल टू पाई डी। तो यहां पे हम लोग r
डी के लिए 2r लिखे तो हमें c इक्वल टू 2 पाई r मिल गया। ठीक है, देखिए अब चर्चा हम लोग करते हैं सेकेंड या टेंजेंट के बारे में। ये देखिए वृत्त है, ठीक है, केंद्र इसका ले लिए दोनों का, तो इसके भीतर से जो रेखाखंड पास कर रही है, जो रेखाखंड इसको कट करते हुए पार कर रही है, यही कहलाएगा सेकेंड। हिंदी में छेदिका बोलते हैं, किंतु जो रेखाखंड वृत्त को टच करता हुआ जाए वह कहलाएगा इसका स्पर्शक। तो ये वाला हो गया क्या, स्पर्शक, और ये हो गया छेदिका, सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझने की कोशिश करते हैं। ये वृत्त है, मान लीजिए दो वृत्त हम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दो वृत्त, तो इस तरह के जो वृत्त हैं, तो इसके भीतर में जो भी पॉइंट्स हो गए ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। अगर बाहर की ओर है, बाहर की आउटसाइड द सर्कल, देखिए ये पॉइंट बाहर है तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ लेना है कि इंटीरियर ऑफ ए सर्कल या इंटीरियर या एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल कहने से क्या समझ में आता है। कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में समझने की कोशिश करें। कंसेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब क्या होता है, देखिए एक वृत्त हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, तो एक केंद्र वाला वृत्त, और अगर मैं ये वृत्त बनाया और इसी वृत्त के भीतर में और एक वृत्त, देखिए इसका केंद्र बिंदु तो ही है, और एक वृत्त बना दिया तो इसका भी केंद्र बिंदु एक ही है, तो ये कहलाएगा तीन वृत्त, ये वृत्त, ये वृत्त और ये वृत्त सब मिलकर क्या कहलाएंगे, ये सब कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे, एक केंद्रीय वृत्त। ठीक है, ये वृत्त देखिए, इस वृत्त का यह केंद्र है और केंद्र से होता हुआ जो जीवा है वो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर व्यास। यह वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर मैं इसका नाम लिख दूं व्यास और केंद्र का इस तरह से, तो देखिए ए बी सी, बी यहां पे डी, तो ए बी ए सी बी यह क्या हुआ, और ए डी बी ये दोनों क्या हो गए, यही दोनों सेमी सर्कल हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है और जो दोनों तैयार होते हैं वृत्त, अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त डायमीटर के कारण से दो तैयार हो जाते हैं, और इन लोगों का मेजर जो होता है सेमी सर्कल का डिग्रीज में अगर बोलिएगा तो 180 डिग्री ही रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आर्क ऑफ ए सर्कल, सर्कल के आर्क के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वृत्त है और ये केंद्र है, बिंदु है वृत्त का, और वृत्त का कोई भी, वृत्त की परिधि का कोई भी भाग, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का भाग, या फिर इस जगह से लेकर इस जगह का बीच का भाग, ये पूरा क्या कहलाएगा, यही कहलाता है आर्क, चाप इस वृत्त का। अगर मैं मान लीजिए यहां से यहां तक बोलता हूं तो यहां से यहां तक ये कहलाएगा क्या, इसका आर्क, इस तरह से। ये निर्भर किस पे करता है, जब मैं कोई एक रेखाखंड खींच दूं तो भी होगा, या फिर एक पार्ट को मैं ले लेता हूं तो भी होगा। तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। अब देखिए आर्क दो तरह के होते हैं, आर्क मतलब चाप, चाप दो तरह के होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर मतलब लघु चाप, मेजर आर्क मतलब प्रमुख आर्क। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये छोटा सा है ए पी बी, तो ये वाला कहलाएगा क्या, माइनर आर्क। हम लोग इस तरह से एक लकीर ऐसे करके डाल देते हैं आर्क करके पढ़ने के लिए, ए बी पी आर्क। और मेजर जो है देखिए इधर से लेकर इतना दूर तक, ए क्यू बी, तो ये हो गया मेजर आर्क। ठीक है, चाप की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। सेगमेंट को देखते हैं, ये वृत्त है,
इसका केंद्र मान लेते हैं ओ, ठीक है। एक जीवा खींचा मैंने, कहीं पे भी खींच लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी, केवल व्यास को जीवा नहीं मानिएगा, नहीं तो छोटा बड़ा समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार सेगमेंट दो प्रकार का होता है, एक हो गया माइनर सेगमेंट, दूसरा हो गया मेजर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड और प्रमुख वृत्तखंड। तो जब जीवा एक खींचे है ए बी, तो जो सबसे छोटा वाला हिस्सा है देखिए, यही कहलाएगा माइनर सेगमेंट या फिर लघु वृत्तखंड। और देखिए ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट या फिर प्रमुख वृत्तखंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा माइनर और मेजर। अब देखिए सेक्टर को हम लोग देखते हैं त्रिजखंड के बारे में, यह भी दो प्रकार का होता है, लघु और प्रमुख, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड और प्रमुख त्रिज्यखंड। देखिए दो अर्धव्यास OA और OB और यहां पर एक चाप, तो दो अर्धव्यास और एक चाप के बीच वाला जो खंड है, त्रिजखंड है, वही क्या कहला रहा है, माइनर सेक्टर कहला रहा है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो कहला रहा है मेजर सेक्टर, प्रमुख त्रिज्यखंड। कहने का मतलब त्रिज्यखंड क्या है, किन्हीं दो त्रिज्या या व्यासार्ध के बीच एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं चाप, या ये वाला चाप मान लेते हैं, किसी एक को मान सकते हैं आप। तो अगर मेजर को बोलते हैं तो ये वाला चाप बोलिएगा, तो इसका नाम मान लीजिए यहाँ पे क्यू ले लीजिए, यहाँ पे पी ले लीजिए, ए पी ओ चाप पर ये वाला, या फिर ए क्यू बी चाप पर ये मेजर वाला। तो इस तरह से हम लोग वृत्त के बारे में कंप्लीट ज्यामितीय ज्ञान को प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एट एस की स्टडी पॉइंट सिलेक्ट।